We are going to start with our topic. Now, what is chemical reaction? Now, the process in which new substances with the new properties are formed from one or more substances are called chemical reactions. मतलब जो process होते हैं जिसमें एक नया substance बनाया जाता है with the new properties, the help of one or more substances are called chemical reactions. Now, एक रिएक्शन के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें, एक रिएक्टेंट होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए. नाउ व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट होता है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जिसके जो पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं. नाउ प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. और जब रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके हेल्प से जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसके हेल्प से जो केमिकल रिएक्शन बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड. नाउ डाइजेशन ऑफ फूड में क्या हुआ, सबसे पहले हमारे फूड बॉडी में जितना भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी जूसेस होते हैं, जो भी होते हैं, वो फूड के साथ मिक्स होते हैं. तो वो जितने भी जूसेस हैं, जो भी है, जो मिक्स हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट. बट जो फाइनल हमारे पास डाइजेशन के बाद जो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में, वाटर की सप्लाई कंप्लीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन, अब सपोज करो एक आयरन को हमने नॉर्मल टेम्परेचर और वाटर के अंदर छोड़ दिया, नॉर्मल सनलाइट के अंदर, तो क्या होगा, वो ह्यूमिडिटी से मतलब ऑक्सीजन प्लस वाटर से कंबाइन करके क्या कर देगा, रस्ट कर देगा. मतलब रस्टिंग उसकी जो होगी वो हमारा प्रोडक्ट होगा, और जो आयरन है, ऑक्सीजन है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो क्या है, उसके रिएक्टेंट्स हैं. नाउ इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में हमें क्या चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है, यीस्ट चाहिए होता है. जब यीस्ट और मिल्क को मिक्स किया जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन टू द कर्ड, देन द कर्ड इज द प्रोडक्ट फॉर्म. नाउ एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे मेन स्टेप्स क्या होते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट होती है जो चेंज हो रही होती है, चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो रहा होता है, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैसेस भी निकल सकती है. नाउ what is the way of representing the reaction, the way with the help of which we can represent a reaction. Now there are two way, word equation and chemical equation. Now what is word equation? Zinc plus sulfuric acid gives you zinc sulfate and hydrogen. Now this is the LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द रिएक्टेंट साइड. LHS को क्या, LHS साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं. नाउ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस व्हाट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, दैट इज द प्रोडक्ट साइड, दैट इज राइट हैंड साइड. नाउ इन द टर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिंक इज द फॉर्म, Zn इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक, H2SO4 इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ Zn प्लस H2SO4 इन द रिएक्टेंट साइड्स, व्हेन इट इज गोइंग टू बी कंबाइंड, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म व्हाट, ZnSO4 प्लस H2, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. नाउ केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व uses of symbols of elements or chemical formula of reactant and product with mention of physical state. Now necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow between the reactant and product. जो भी है, suppose करो heat के present में, या फिर catalyst के present में, या फिर pressure के present में, temperature के present में, वो हम इस arrow के ऊपर लिखते हैं. Okay, now example, take an example, magnesium is burned in air to form magnesium oxide. Now 2Mg plus O2 is going to be burned in air and it is going to be formed the magnesium oxide. तो जो burn हो रहा है, जो heat किया जा रहा है, वो हमने arrow पे लिखा है. magnesium plus oxygen के को जब हम burn करते हैं तो क्या form करता है, magnesium oxide करता है. अब